नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे। 26 अगस्त 2022 शुक्रवार को आ रही है अमावस और ये है सावन की आखिरी अमावस। अब आप सोच रहे होंगे कि सावन तो पूरा हो चुका है लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा जो मानते हैं उनके लिए अमावस पूरा हो चुका है, लेकिन अमावस से अमावस जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये आखिरी अभी सावन का महीना होगा और ऐसे में ये सावन के महीने का आखिरी अमावस होगा और आज के दिन को बोला जाता है पिठोरी अमावस भी। तो खास उपाय कुछ करने होते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है या कहीं आपके पैसे अटके हुए या पैसे तो आ जाते हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो रही या नया काम आपका कोई भी शुरू नहीं हो रहा, कर्जा आपका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बिना वजह ही घर में आपको लगता है कि क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है, आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने बंदिश की हुई है। और कई बार देखिए ऐसा होता है कि बिना वजह ही झगड़े होने लग जाते हैं या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि जीवन में रुकावटें आ रही है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को आप कीजिएगा, वैसे तो आज ही के दिन आपको ये उपाय करने चाहिए लेकिन इन केस आप ये मिस कर जाते हैं तो आप कोई भी अमावस पे इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर कीजिएगा इसी अमावस पे इस उपाय को आप कीजिएगा। तो आपको ये उपाय के लिए करना क्या है, आपको ऐसे में एक दिया जलाना है। अब वो आटे का दिया होना चाहिए, उस आटे के दिए में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है या कोई भी तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, नॉर्मल बाती का आप इस्तेमाल करेंगे और उसी के अंदर आप चुटकी भर हल्दी डाल देंगे और एक लौंग। ठीक है, तो आटे का दिया आपने लिया, उसमें तेल डाला, नॉर्मल बाती, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और एक लौंग। अब इस दिए को आपको जलाना है घर की उत्तर दिशा में या घर की पूर्व दिशा में, घर के अंदर ही कहीं पे भी आप इसको जला सकते हैं। ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, अमावस वाले दिन आपको ये उपाय करना है। अब आपको मनोकामना ऐसे में क्या करनी है, जो भी आपकी इच्छाएं आपको वो बोलना है कि ये इच्छाएं मेरी पूरी हो जाए और जो भी मेरी तकलीफें हैं वो इस अग्नि में जल के नाश हो जाए, बस इतना आपको करना है और उस दिए को आपको जलाने के लिए रख देना है। बाद में आपको क्या करना है, जब वो बुझ के हो जाए तो इस आटे के गोले को आपको लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर या चीनी आप डाल दें, इसका गोला बना दें और केवल इसको पेड़ के नीचे जाके रख के आ जाए, या इसी आटे के गोले को आप जाके गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन गाय को खिलाने से पहले उसके अंदर अगर बाती थोड़ी भी लगी हुई है तो उसको आप ज़रूर से निकाल दीजिएगा। उसमें आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप गाय को खिलाना चाहते हैं, तो ये दो अल्टरनेट तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय नंबर दो। उपाय नंबर दो में आपको क्या करना है, पैसे की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है तो इस उपाय को आप कीजिएगा, ये केवल और केवल पैसे की तकलीफ़ के लिए या कर्जे की समस्या के लिए या इनकम आपकी अच्छी नहीं आ रही या एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो रहे तो ऐसे में आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग आप लेंगे और उस पर हल्का हल्का जो ऊपर देखिए फूल का हिस्सा होता है उसके ऊपर आपको सिंदूर का तिलक लगा देना है, थोड़ा सा गिल्ला कर दीजिए और सिंदूर का तिलक लगा दीजिए। अब वो 5 लौंग को अपने हाथ में आपको पकड़ना है और जो भी आपकी मनोकामना है पैसे से रिलेटेड आपको वो बोलनी है और एक मंत्र आपको बोलना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए कर सकते हैं या जब तक आपका मन है तब तक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपको ये करना किस दिशा में है, आपको ये जो उपाय करना है घर के नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हुए करना है, यानी कि उत्तर की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। कहीं पर भी आप बैठ जाएँ, चाहे सोफे पर, चाहे बेड पर, चाहे कुर्सी पर, चाहे आसन लगा के, चाहे वो कोई भी रंग का हो, बस आपको ये 5 लौंग सिंदूर से जो आपने इस टीका लगाया हुआ है उसको अपने हाथ में होल्ड करना है और आपको पैसे से रिलेटेड मनोकामना करनी है और आपको ये मंत्र जाप करना है और बाद में वही दिशा में कहाँ पे भी आपको जगह मिले उत्तर दिशा में, चाहे फिर वो कोई भी कमरा हो, वहाँ पे एक कटोरी में इस 5 लौंग को आप रख देंगे रात भर। ठीक है, अमावस की रात भर आप इसको रहने देंगे, यानी कि 26 तारीख की रात भर आप इसको रहने देंगे। अब दूसरे दिन यानी कि शनिवार वाले दिन आपको ये 5 लौंग लेनी है और फिर आपको क्या करना, उसमें से 1 लौंग अपने पर्स में रखनी है, 1 लौंग आपको तिजोरी में रखनी है, अगर आपका व्यापार स्थान है तो एक वहाँ पे भी आप रख सकते हैं, और बाकी की जो भी लौंग बचेगी उसको आप घर के गमले में कहीं पे भी दबा दीजिए। अगर घर में कोई भी गमला नहीं है तो आप घर के बाहर जाके किसी भी दिशा में किसी भी पेड़ के नीचे इसको छोड़ के आ सकते हैं। ये उपाय नेक्स्ट दिन यानी कि शनिवार वाले दिन आप कभी भी कर सकते हैं, जो आगे का प्रोसेस है। तो जो आज मैंने आपको उपाय बताया एक बार इसको करके ज़रूर देखिएगा,
धीरे धीरे आप खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत लोगों की और भी प्रॉब्लम्स इससे दूर हो पाए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा और एक चैनल है आइकिया शॉर्ट्स। हाँ जी, आइकिया शॉर्ट्स में डेली आपको एक मिनट के वहाँ पे उपाय मिल जाएंगे। तो अगर उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे आप प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।